अच्छा 12th क्लास, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ना कुछ आइडेंटिटीज यूज होनी है, जिसमें सबसे पहले एक आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अगर फंक्शंस दो हो और डिवाइड के फॉर्म में हो तो सबसे पहले इसका आसान तरीका पता क्या, सबसे पहले इसको आप वाई मान लो, लेट जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसे वाई मान लेंगे, सपोज दैट मैंने इसको वाई मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें ये फार्मूला यूज करना है। याद करने का तरीका, नीचे वाले का स्क्वायर, व्हाटएवर नंबर इज फंक्शन इज, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फिर एज इट इज, आई रिपीट, पहले मैंने नीचे वाले का स्क्वायर किया, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, इन टू में ऊपर वाले का डेरिवेशन ex है, ex का डेरिवेशन क्या होगा हमारा ex, इतना तो पता होगा। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, फिर फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज, व्हाट इज आवर फर्स्ट फंक्शन ex है, ex एज इट इज, इन टू में साइन एक्स, नीचे वाले का डेरिवेशन, साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होगा हमारा कॉस एक्स, एंड दिस इज आवर आंसर। एनसीईआरटी में अगर आप मैच करोगे तो वो भी ठीक है, और यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ दोगे, आंसर ठीक हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे इसमें कुछ कॉमन ले लो, ex कॉमन ले लो, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। हम ना कई बार क्या करते हैं 12th क्लास एनसीईआरटी से आंसर मैच करने के लिए इसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं, जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पे छोड़ रहे हो आंसर ठीक है तो आपके नंबर पूरे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।